हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंट्राडे गाइड शिवांश भसीन। सो गाइस, आज हम बात करेंगे कि 17th ऑफ दिसंबर से 21st ऑफ दिसंबर तक ये नेक्स्ट वीक मार्केट के लिए कैसी रह सकती है, कौन से फैक्टर्स हैं जो मार्केट को डेराइव कर सकते हैं, और मंडे की मार्केट भी कैसी रह सकती है। सो गाइस, जो US मार्केट है वो 8 मंथ्स लो में चली गई है, यानी कि जो डाउ 30 है, जो उसका इस समय प्राइस लेवल है, वो प्राइस लेवल उसके सिंस मई के लो पे जाके ही हमें देखने को मिल रहा है। और जो S&P 500 है, जो उसका प्राइस दिखा रहा है, वो अप्रैल के लो पे हमें जाने वाले टाइम में दिख रहा है। सो गाइस, US मार्केट कोलैप्स कर रही है जिस तरीके से, उसका रीज़न क्या है, जो कि है कॉर्पोरेट न्यूज़, बैड कॉर्पोरेट न्यूज़ेस जो भी US मार्केट के अंदर आ रही है, और स्लो डाउन हो रही है ग्लोबल इकोनॉमी US की। ये ऐसे दो रीज़न्स हैं, सबसे छोटे रीज़न्स हैं अगर हम कह सकते हैं, तो ये रीज़न्स की वजह से ही US मार्केट में हमें गिरावट आने देखने को मिल रही है। दूसरी बात यह है कि जो क्रूड ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, एक दिन 2% गिर रहा है, अगले दिन 2% बढ़ रहा है, एक दिन 2% गिर रहा है, अगले दिन 2% बढ़ रहा है, तो ये जो पूरी मार्केट है वो रिएक्ट कर रही है क्रूड ऑयल की, वो हमारी मार्केट के लिए एक अच्छी बात नहीं है। इंडिया विक्स की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो गया है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से जो हमारी मार्केट की रेंज हो गई है, मार्केट की रेंज इन द सेंस की अगर हम बात करें, जो कि निफ्टी की रेंज हो गई है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और रेंज बढ़ने का मतलब ये होता है कि अब हमारा जो सपोर्ट है वो भी बहुत नीचे चला गया है। अब हम बात करते हैं कि निफ्टी मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगी, कैसे हमें निफ्टी के चार्ट्स को स्टडी करना है, और फिर हमें प्रूव निकालना है कि किस तरीके से मार्केट ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा है या नीचे जाने की संभावना ज़्यादा है, और क्या रेंज निकल के आ गई है। तो गाइज, आपको यहाँ दिख रहा होगा 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का एक हमें सपोर्ट मिला हुआ है, यानी कि जो बैंक निफ्टी है उसने बहुत अच्छे तरीके से अप मूव के थ्रू 200 डे और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया था। और कल के सेशन में निफ्टी ने भी अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल के मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करी थी, और जो उसका लो था वो एग्जैक्ट 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट पर जाके ही बंद हो गया था। सो गाइस, अब हमें देखना है कि वो जो एक 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वो एक दीवार का काम कर रही है, मार्केट अभी उस दीवार के पॉजिटिव साइड में है। अगर वो पॉजिटिव साइड में 2 दिन तक और बंद रह जाती है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमने जो आपको टारगेट्स दिए थे वो अचीव हो सकते हैं। पर अगर गाइस, हो सकता है कि कल US की मार्केट की वजह से हमें रिएक्शन देखने को मिल जाए, जो कि 550 पॉइंट, जो 2.5% की गिरावट आई है US मार्केट के अंदर, उसकी वजह से भी शायद हमारी मार्केट गिर जाए और 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे स्लिप कर जाए। पर गाइस, स्लिप करना कोई बात हम नहीं मान सकते जब तक उसके नीचे हमें क्लोजिंग नहीं मिलती है। अगर 200 डे एक्सपोनेंशियल के मूविंग एवरेज के नीचे हमें क्लोजिंग देखने को मिलती है, तो हम कह सकते हैं कि वो शायद एक बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस था जिसे वो शायद नहीं तोड़ पाएगी। पर जिस तरीके से जो एनालिस्ट कह रहे हैं और जो रिपोर्ट्स आ रही है अलग अलग सेक्टर, जो ब्रोकरिंग हाउस से आ रही है, वो आ इसीलिए रही है कि जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसकी वजह से रेंज जो है वो ज़्यादा बढ़ गई है। पर रेंज जो दिसंबर की एक्सपायरी के लिए हमें लग रही है, वो अपर साइड में 11,100 या 11,200 की लग रही है। सबसे बड़ा जो हम रेजिस्टेंस फेस करेंगे वो करेंगे 10,950 पे, क्योंकि 10,950 एक वो लेवल है जहाँ से हम कह सकते हैं कि वापस 10,000 की तरफ फॉलिंग चैनल आ सकता है। एक ये फॉगलिंग चैनल बन जाएगा जो 10,950 पे जाके कंप्लीट हो जाएगा। अगर 10,950 को ऊपर तोड़ देता है और क्लोजिंग दे देता है, तो गाइस 11,200 भी जा सकता है। तो जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस वीकली एक्सपायरी के अंदर अंदर, हम 10,950 के लेवल्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थोड़ी बहुत वीकनेस आ सकती है US मार्केट की वजह से, तो पर कुछ ऐसे फैक्टर्स भी है जो हमारी मार्केट को सपोर्ट कर सकते हैं, तो गाइज वही हमें देखना है। सो मैं आपको यही सलाह दूंगा, अभी आप जब तक मार्केट 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग नहीं कर रही है, तब तक आप बाय करिए लोअर लेवल्स पे, निफ्टी मार्केट को लोअर लेवल्स पे बाय करिए, और उसी तरीके से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। सो गाइज, अब मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट्स दिखाना चाहूँगा, जिससे आपको समझ आ जाएगी किस तरीके से मार्केट में रिएक्शन देखने को मिल सकता है मंडे के मार्केट में और उसके आगे वाले मार्केट में। पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि जो आप देख सकते हैं investing.com मैंने खोल रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2% डाउ 30 गिर चुका है, और नैसडैक गिर चुका है 2.5%, और S&P 500 भी 2% गिर चुका है। गाइज, ये सब अपने मंथ्स के लो में आ चुके हैं। अगर मैं आपको इसका डाटा दिखाना चाहूँगा, तो आप यहाँ पर इकोनॉमिक यहाँ पर है टाइम्स, आप यहाँ पर अगर जूम करके इसे देखेंगे, पढ़ेंगे इसके बारे में, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। आप देख सकते हैं द S&P 500 डिप टू इट्स लोएस्ट क्लोजिंग लेवल सिंस अप्रैल, ये भी आप कह सकते हैं, और द डाउ 30 स्लम मोर देन 550 पॉइंट्स एज इट्स लो ड्यूरिंग द सेशन एंड इट डाइव टू इट्स लोएस्ट क्लोज सिंस मे।
सो गाइज ये मार्केट के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर जो रीज़न दे रखा है वो रीज़न यही दे रखा है कि जो पॉसिबली रीज़न हो सकता है, जो कंसर्न मार्केट दिखा रही है फॉल का, वो हो सकता है स्लो डाउन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी एंड अ स्लू ऑफ कॉर्पोरेट न्यूज़, यानी कि जो बैड कॉर्पोरेट न्यूज़ आ रही हैं उसकी वजह से। गाइज अब हम बढ़ते हैं चार्ट की तरफ, वहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये मैंने आली चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। अभी भी आपको, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोज़ देख रहे हैं तो आप इस ट्रेंड लाइन के बारे में या इस पैटर्न के बारे में समझ गए होंगे। मैं आपको वापस इस पैटर्न का एक बार नाम बता देता हूं, जो कि है मेजर्ड पूल शेप पैटर्न। तो गाइज ये पैटर्न है, अब हम देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो एक फॉल दिखा सकती है। जो भी मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बैंक निफ्टी का एक बोला था सेल करने के लिए, जो आपको मैंने टारगेट बताया था, एग्जैक्ट वही टारगेट बैंक निफ्टी का लो बना था और वहां से हमने बैंक निफ्टी में अप मूव देखी थी। सो गाइज अगर हम बात करते हैं निफ्टी की, तो निफ्टी अब आर्ली चार्ट्स में हमें क्या देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं जिसका लो है 10,750 का, वही रेंज अगर मैं आपको लेकर जाने वाले डेली चार्ट्स में दिखाऊंगा तो वो एक गैप है छोटा सा जिसे शायद इसने फिल करा है, और वो गैप फिल करा है तो हम देख सकते हैं ये आप इस साइड देखिएगा कि इस लेवल पे, यानी कि 10,750 से लेके 10,850, यानी कि जो 100 पॉइंट्स की मूवमेंट थी वो एक गैप डाउन हुई थी, गैप डाउन हुई थी वो फिल करी है निफ्टी ने इस सेशन के अंदर। अब देख सकते हैं 2 सेशन के अंदर निफ्टी ने इसे ऊपर की तरफ करा और ये गैप डाउन को फिल करा। अब हम कह सकते हैं कि जो एक ये 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट हमें मिल रहा है, वो सपोर्ट है एक दीवार का जो काम करेगी। अभी हम कह सकते हैं कि शायद ये एक अच्छी मजबूत दीवार बन जाए, पर जो यूएस मार्केट की फॉल आई है उसकी वजह से हम देख सकते हैं कि शायद मार्केट इसके नीचे चली जाए, पर क्लोजिंग बेसिस में इसके ऊपर ही जाके क्लोज दे। अगर ऐसा हो जाता है गाइस तो भी हमें, आपको मैं यही बताया जा रहा हूँ, आपको लोअर लेवल्स पे ही निफ्टी को, बैंक निफ्टी या मार्केट को बाय करके चलना है जिससे आपको पॉजिटिव रिटर्न्स मिलते रहे। गाइज कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हो गए हैं, कुछ ऐसे सेक्टर्स हो गए हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि अब प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, जिसमें आईटी सेक्टर हो गया है और हम कह सकते हैं फार्मा सेक्टर हो गया, जो अब थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग में चले गए हैं। अब फार्मा सेक्टर में हम कह सकते हैं कि जो फॉल था वो कंप्लीट हो गया, अब एक साइडवेज मूवमेंट स्टार्ट हो गई है। अगर मैं आपको इसमें डेली चार्ट्स को हटाकर मैं अगर वीकली चार्ट्स में आपको लेकर चलता हूँ, तो वीकली चार्ट्स में आप देखिएगा आरएसआई को एग्जैक्ट 50 पे है, यानी कि नो रेंज, हमें डाइवर्जन ही नहीं पता चल रहा है कि किस तरफ मार्केट मूव कर सकती है। पर हम कह सकते हैं कि डेली चार्ट्स में अभी भी मोमेंटम थोड़ा बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि जो मार्केट ने अप मूव दी थी उसके बाद एक कंसोलिडेशन आना जरूरी है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर यूएस मार्केट के डाटा की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं वो सेल ऑफ ही कर रहे हैं, मार्केट को बेच ही जा रहे हैं, तो वो एक मार्केट के लिए भी कंसर्न बन सकता है, हमारी मार्केट के लिए भी एक कंसर्न बन सकता है गाइस। तो अब हमें देखना है मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकती है। अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में भी एक सेम तरीके का पैटर्न नहीं बन रहा, पर बैंक निफ्टी की अगर मैं आपको डेली चार्ट्स में लेकर जाना जाऊंगा और आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू दिखाता हूं, तो वहां पर आप ध्यान से देखिएगा जो इसका हाई था और इसका लो था, अगर हम हाई और लो के फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करें तो आप देख सकते हैं एग्जैक्ट 38.2% फिबोनाची रिट्रेसमेंट के नीचे इसने गया और वहां पर जो इसे सपोर्ट मिला, कोई भी पहला सपोर्ट, और वहीं से उसने एक अपमूव दी और एग्जैक्ट 61.8% के ऊपर रिट्रेस कर गया। यानी कि अब जो इसका क्रूशियल सपोर्ट लेवल है वो है 26,400, यानी कि 26,350। अब 26,350 इसका मिड पॉइंट है बैंक निफ्टी के लिए। अगर 26,350 को बैंक निफ्टी नीचे की तरफ तोड़ता है तो वापस हम 25,700 की तरफ चले जाएंगे। अगर बैंक निफ्टी 26,750 को होल्ड करके रखता है और उसके ऊपर सस्टेन रखता है तो हम वापस अपने हाईज की तरफ बढ़ सकते हैं और हाईज की तरफ बढ़ सकते हैं, यानी कि 27,400 तक बैंक निफ्टी भी मूवमेंट दे सकता है। गाइस 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट जिस तरीके से इसने इसे तोड़ा था और वहां पर अब कंसोलिडेट कर रहा है, आप देख सकते हैं, मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊंगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसी लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है बैंक निफ्टी। अगर इसके नीचे जाता है तो हम कह सकते हैं थोड़ी बहुत डिप मिल सकती है हमें 26,600 या 26,650 के बीच आसपास तक हमें बैंक निफ्टी में भी डिप मिल सकती है, उसके बाद शायद हमें एक और अपूव आने वाले टाइम में देखने को मिल जाए। सो गाइज ये एक क्रूशियल लेवल्स थे जो मैंने आपको बैंक निफ्टी निफ्टी के अंदर बता दिए हैं। और ऐसे कौन से न्यूज़ है जो हमारी मार्केट को नेक्स्ट वीक इम्पैक्ट कर सकती है, मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। 4 दिन हमारी मार्केट के लिए एक बहुत अच्छी दिन रह सकते हैं, जिस तरीके से हमने प्रीवियस वीक में देखा था, मैंने आपको बताया था कि मार्केट ऊपर जाएगी, आपको बाय करके ही चलना है लोअर लेवल्स पे, तो मार्केट ने लोअर लेवल्स तो आपको दिए ही नहीं, पर 3 दिन से एक बहुत अच्छी खासी अपमूव आ गई थी, उसके बाद एक 50-100 रुपये की करेक्शन भी हमें देखने को मिली और वो भी उसने फुलफिल कर दी थी।
सो गाइज नेक्स्ट जो वीक है वो हमारी मार्केट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीक है, वो एक दीवार है जिसे वो तोड़ सकती है अगर नीचे की ओर, तो भी हमें एक हमारा पैटर्न जो है वो बदल जाएगा, फिर हम दूसरे तरीके से मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे। अगर मार्केट उस दीवार को नहीं तोड़ती है, अगर उसके ऊपर ही सस्टेन करती है, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग के एवरेज के ऊपर सस्टेन करती है, तो भी हमारी मार्केट के लिए एक बहुत अच्छी बात है। सो गाइज अब अगर किसी लोगों ने जो कॉल ऑप्शंस पुट करके रखे हुए, आपको मैं सलाह यही दूंगा कि जब मार्केट नीचे अगर खुलती है तो आप उसे होल्ड करके रखिए। होल्ड करने का रीज़न ये है क्योंकि मार्केट नीचे होल्ड करेगी, उसके बाद शायद वो उस होल्ड को ना ज़्यादातर सस्टेन कर पाए, वापस एक अप मूव दे दे और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर चली जाए, तो जो आपने कॉल ऑप्शन बाय कर रखा था वो उसी लेवल पे आ जाएगा गाइस। तो अभी मैं आपको सलाह यही दूंगा, उसे होल्ड करने की सलाह दीजिए जब तक 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे वो क्लोजिंग नहीं देती है। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, जिससे आपको ये सारी मार्केट की लेटेस्ट अपडेट्स न्यूज़ हर दिन मिलती रहे और आप उससे एजुकेशनल वीडियोस के थ्रू इस एजुकेशनल वीडियोस के थ्रू अपनी नॉलेज को अच्छे से गेन कर सके। सो गाइस अब भी एक मैं एक और वीडियो लेकर आने वाला हूँ जो मंडे के मार्केट में निफ्टी बैंक निफ्टी की, तो आपको मैंने स्ट्रैटेजी बता दी है, पर निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड किस तरीके से करना है वो आपको सब तरीके से पता चलते रहे, और कौन से स्टॉक्स मंडे के मार्केट में आप परफॉर्म करेंगे वो भी आपको पता चल जाए। तो वो वीडियो के लिए भी अगर आपको उस वीडियो को भी ध्यान से देखना हो तो मेरे बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जो मेरे सब्सक्राइब बटन के पास में ही होगा, उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी उस आने वाले वीडियो की। सो गाइज मैं मिलता हूँ आपसे कल नई अगली वीडियो के साथ, साइनिंग ऑफ।